हाँ एवरी वन दिस इज वेरोनिका आज का टॉपिक है हमारा एन टी सी ए पर एन टी सी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी इनकी नाइनटीन मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए क्या क्या डिस्कशनस हुई हैं इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या तो मे का हीज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी डी एफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए एन का फुल फॉर्म जब भी हमने टाइगर का कोई भी वीडियो डिस्कस किया है तो वहाँ पे पढ़ा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तो ये एन का फुल फॉर्म है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए इनका नाइनटीन्थ मीटिंग हुआ है और यहाँ पे एक्शन प्लान जो है बेसिकली चीता चीता जो है उनको री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है इंडिया में फिफ्टी चीताज़ को डिफरेंट आ, जो पार्क्स हैं वहाँ पे री इंट्रोड्यूस किया जाएगा पाँच साल तक इस पर भी अलग से हमने एक दो बार वीडियो डिस्कशन किया है कि कौन कौन से पार्क्स में किया जाएगा उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं क्या कंसर्न्स जिताए जा रहे हैं तो इसको लेके इसके एक्शन प्लान पे भी इन लोगों ने बात की अब जनवरी फिफ्थ टू इसी साल की बात है नाइनटीन्थ मीटिंग जो है इनकी एन की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की चेयरमैनशिप जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के अंडर ये मीटिंग जो है वो की गई अब इसके हाईलाइट्स हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे अब एन टाइगर्स पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली टाइगर्स पे बात हुई कि एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जाता है टाइगर को और वैसे प्रोजेक्ट टाइगर जब से इंडिया में चला है काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है हमारे कंजर्वेटिव मेजर्स कंजर्वेशन के जो मेजर्स हैं वो भी अच्छे रहे तो उस पर फिर से बात हुई कि अभी भी हमको कौन से और मेजर्स लेने चाहिए अडॉप्ट करने चाहिए इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए तो टाइगर पर डिस्कशन हुई और इसके साथ साथ हुई कि टाइगर पॉपुलेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है अभी हमको जरूरत है कि एक रिलायबल एस्टिमेट हमारे पास फ्रेश होना चाहिए कि कितने टाइगर रिजर्व और लैंडस्केप लेवल पे कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है तो इस पर आपका जो फिफ्थ साइकिल है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का वो चल रहा है क्योंकि हमारे पास एक बार राइट करेक्ट नंबर्स आएंगे कहाँ पे कितने टाइगर्स हैं पूरी पॉलिसी सॉरी पूरे नंबर्स आपके पास सही से होंगे तो उसी पर हम सही से और अच्छी मैनेजमेंट कंजर्वेशन पॉलिसीज डिज़ाइन कर सकते हैं ये भी एक अलग से वीडियो बनाया था कि 14 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको एक्रेडिट किया गया है अंडर सी ए टी एस जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कोई ना कोई एक्रेडिट करता है ना या जो आपकी लैब्स होती हैं एन ए बी एल लैब बोलते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आके बताता है कि ओके ये लैब सही में अच्छी है या नहीं है ये कॉलेज यूनिवर्सिटी सही में ए प्लस है या नहीं है ऐसे डिग्रीज दी जाती है तो इसी तरह से 14 टाइगर रिजर्व थे जिनको एक सी CATS ने और अब एन टी सी ए इस पर काम कर रहा है कि बाकी के टाइगर रिजर्व को भी इवैल्यूएट करवाया जाए एक मिल पाए क्योंकि एक मिलने का मतलब है कि हाँ वहां पर अच्छा काम हो रहा है ये वाले टाइगर रिजर्व बहुत बढ़िया हैं टाइगर रिजर्व्स इंडिया में अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं है वहाँ पे और भी एनिमल्स पाए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी की बात करें रिसोर्स की बात करें तो 35 रिवर्स जो हैं अलग अलग एरियाज से ओरिजिनेट होते हैं इन टाइगर रिजर्व्स में और वाटर सिक्योरिटी के लिए ये जो पानी के सोर्सेज हैं रिवर्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अब नॉर्थ ईस्ट की एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस की गई प्रॉब्लम है एयर गन्स की इन एरियाज़ में एयर गन्स यूज़ किए जाते हैं किन को मारने के लिए बहुत सारे बहुत और एनिमल्स को इनडिस्क्रमिनेटली मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके लिए भी मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएँ ताकि लोग अपने जो एयर गन्स हैं उनको सरेंडर करें क्योंकि पहले भी एक इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया था कि अपनी एयर गन्स जो हैं वालेंट्री आप सरेंडर कर दीजिए तो इस पर भी और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बात की गई उसके बाद बात की गई टूरिज्म पे क्योंकि टाइगर रिज़र्व में आपने देखा टूरिज्म सफारीज़ ये सब ये सब भी चलता है कि उनको भी थोड़ा और रेगुलेट करने की ज़रूरत है टाइगर रिज़र्व में मिनिस्टर ने कहा और जिस तरह से कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसका कोर एरिया होता है बफर एरिया होता है फिर जहाँ पर आपकी ट्रांजिशन पॉपुलेशन शुरू होती है यहाँ पर बात की कि जो कोर एरिया है उसमें और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए और जो गाड़ियों की मूवमेंट है जहां तक टूरिज्म अलाउड है उसको वन वे रखा जाए टू वे ट्रैफिक ना रखा जाए इसके साथ साथ इस मीटिंग में वाटर एटलेस जो है वो निकाला गया वाटर एटलेस रिलीज किया गया इस मीटिंग में इस वाटर एटलेस में क्या है कि जितनी भी वाटर बॉडीज आपकी प्रेजेंट हैं टाइगर बियरिंग एरियाज में इंडिया में उनको मैप किया गया तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व में कितने रिसोर्स हैं वाटर रिसोर्स क्या क्या हैं वाटर बॉडीज क्या क्या हैं और इसमें लैंडस्केप वाइज इंफॉर्मेशन भी है इंक्लूडिंग शिवालिक हिल्स गैंगटिक प्लेन लैंडस्केप सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स लैंडस्केप नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन सुंदरबैंड तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस वाटर एटलिस में इंक्लूड की गई है क्योंकि इससे आपको रिसोर्स के बारे में भी पता चलेगा कि उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है अब नेक्स्ट बात आती है चीता इंट्रोडक्शन की इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है ये हमको पता है लेकिन अब गवर्नमेंट काफ़ी समय से एक्चुअली प्लान कर रही है पहली बार एक तरह का इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन होगा जहाँ पे फर्स्ट बैच जो है साउथ अफ्रीका से बैच ऑफ एट आठ चीता को लाया जाएगा नाम्बिया से लाया जाएगा टू कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और इसके बाद जैसे मतलब ये थर्ड वेव हमारी खत्म होगी क्योंकि काफ़ी समय से ये प्लान चल रहा है तो पाँच साल के पीरियड में और भी चीताज़ को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन सिनारीयों में अब री इंट्रोडक्शन देखिए इतना इजी नहीं है लेकिन रीइंट्रोडक्शन एक फ़ेवरेट स्टेप भी चल रहा है आजकल कंजर्वेशनिस्ट का इन्वायरमेंटलिस्ट का कि नहीं जैसे घड़ियाल्स को पंजाब ब्यास में हमने रीइंट्रोड्यूस किया बहुत जगह हम डिफरेंट स्पीशीज़ को रीइंट्रोड्यूस करते हैं उन एरियाज़ में स्पेशली जो उनके कभी हैबिटेट रहे होते हैं तो याद रखिए रीइंट्रोड्यूस स्पीशीज़ को हम उसी जगह पे कर सकते हैं जो कभी उनके हैबिटेट रहे हो बिल्कुल नई जगह पर उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते एटलीस्ट दे शुड बी एबल कि दे कुड सर्वाइव इन दिस न्यू एरियाज़ तो ये लार्ज कार्निवोर्स को री इंट्रोड्यूस करना एक स्ट्रैटेजी है इस थ्रेटेंड स्पीशीज़ को बचाने की और इको सिस्टम फंक्शनिंग को भी रिस्टोर करने की अब इंडिया में री इंट्रोडक्शन के क्या रीज़न्स हैं कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ को कंजर्व करना है एको सिस्टम को रिस्टोर करना है अब चीता जो है टॉप प्रडेटर है लार्ज कार्निवर है और ओवर ओवर हन्टिंग की वजह से हैबिटैट लॉस की वजह से इंडिया से हिस्टोरिकल टाइम्स में जब ये पाया जाता था तो उसके बाद ही एक्स्टिंक्ट हो गया अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस एनिमल को फिर से रिस्टोर करें उससे हमको इकोनॉमिकली और इस थर्टिन स्पीशीज़ को बचाने में हेल्प मिलेगी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में उन्होंने टू सिक्सटी करोड़ चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट सात साल पहले ही इसको प्रिपेयर किया है कि इनको हम कूनो नेशनल पार्क इन श्योपुर और मोरिना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के हैं ग्वालियर चंबल चंबल रीजन के वहाँ पे इसको री करेंगे तो ये इंडिया का इनफैक्ट वर्ल्ड का पहला इस तरह का इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट रहेगा लेकिन री इंट्रोडक्शन पर भी कंसर्नस हैं देखिए री इंट्रोडक्शन इतना आसान थोड़ा है कि आपने कोई एनिमल ला नई जगह पर रख दिया पहली चीज़ क्या वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा उन कंडीशंस में दूसरी चीज़ सरवाइव कर गया तो वहाँ का प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप जो है वो चल पाएगा क्योंकि चीता ऑलरेडी आपका टॉप प्रीडेटर है अब इन एरियाज़ में अगर टाइगर्स और बाकी के टॉप प्रिडेटर्स हैं तो क्या ये को कर पाएंगे साथ में रह पाएंगे कहीं इनके शिकार कम तो नहीं पड़ जाएंगे एरिया कम तो नहीं पड़ जाएगा बहुत सारी चीज़ें हैं फैक्टर्स हैं जिनको समझना और तीसरा कि इनकी ब्रीडिंग यहाँ पे क्या सक्सेसफुली हो पाएगी तभी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो कुछ कंसर्न्स हैं कि ये वाइड रेंजिंग स्पीशीज है अब माना जाता है कि जिस तरह से अफ्रीका से ये चीताज लाए जा रहे हैं अब एशियन चीता और अफ्रीकन चीता थोड़े अलग हैं इंडियन पार्क्स हमारे एक तो इतने बड़े नहीं हैं जितने अफ्रीका में पार्क्स हैं तो क्या इनको इतनी जगह मिल पाएगी यहाँ पे घूमने की फ्री मूवमेंट की तो उसके भी थोड़े लेस चांसेस हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि कूनों में हम इनको लाने की बात करें लेकिन शायद कूनों एक फेवरेबल स्पॉट ना हो क्योंकि यहाँ पर लाइन्स टाइगर्स लेपर्ड्स ऑलरेडी रह रहे हैं तो अब हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो बताए कि लेपेड्स, चीताज लाइन्स टाइगर सब एक ही हैबिटेट में बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा डेटा भी नहीं है तो ये कंसर्न्स भी हैं ये भी देखा जाएगा कि क्या अगर ये सब पॉइंट्स आपके पॉजिटिव गए तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा और साथ में अफ्रीकन चीताज़ एशियाटिक चीताज से थोड़े अलग भी हैं अब जो नए चीताज हैं वो ऑलरेडी जो हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स चल रहे हैं एंडेंजर्ड uh, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पता वो सारे उन मेहनत uh, पे पानी फेर दें ये प्रोजेक्ट क्योंकि हमको इनको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जो री इंट्रोड्यूज एनिमल्स हैं ये कॉस्ट और टाइम इंटेंसिव दोनों हैं तो इसलिए कुछ लोग जो हैं इसके फेवर में नहीं भी हैं चीता की बात करें तो चीता एक्नोनिक्स जुबैटस ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशीज़ है और फाइव मिलियन ईयर्स पहले आप मायूसी नीरा से इसको ट्रेस कर सकते हैं वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है जो कि अफ्रीका और एशिया में रहता है और वॉलरेबल है आयुसी एन रेड लिस्ट में कंट्री का ला कंट्री में लास्ट फेलाइन जो है वो छत्तीसगढ़ में कहते मारा गया था 1947 में और बाद में चीता जो है इसको एक्सटिंक्ट 1952 में हम इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं एशियाटिक चीता को क्लासिफाई किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज ये एशियाटिक चीता की बात कर रही हूँ आयु सी लिस्ट में और अब माना जाता है कि एक ही शायद जिंदा है ईरान में एक्सटेंशन के रीजंस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट लॉस ऑफ हैबिटेट लॉस ऑफ प्रे हंटिंग इलीगल ट्राफिकिंग है ना तो ये सब चीज़ें जो हैं Uh, इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गया 1947 में माना जाता है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो कोरिया के सुरगुजा एरिया के uh, छत्तीसगढ़ जिसको आज हम कहते हैं उन्होंने लास्ट थ्री रिकॉर्डेड एशियाटिक चीताज़ को मारा था उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए तो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट आज के लेक्चर के लिए चीता के बारे में भी हमने पढ़ा और एन ने अपनी मीटिंग में क्या क्या उनके क्या हाईलाइट्स रहे वो भी डिस्कस किए चीता इज अ डैश लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए बाकी कोर्सेस की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच